हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो मैच होने जा रहा है उस मैच के बारे में। मैच कब होगा? मैच होगा 14 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मैच से जुड़ी जो भी अपडेट है ना वो मैं सारी टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको वहां से जाके फॉलो कर लेना। अब जरा मैच में आगे बढ़ते हैं, मैच के बारे में जानते हैं। तो केकेआर और एसआरएस के बीच में जो मैच है, केकेआर पिछले 5 मैचेस में से 3 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। एसआरएस पिछले 5 मैचेस में से वहीं पे 2 मैचेस जीती और 3 मैचेस हारी है। हेड टू हेड की बात बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स की। तो केकेआर ने 7 मैच जीते, एसआरएस का मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो एसआरएस ने 4 मैचेस जीते 3 सालों में। पर वहीं अगर हम लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात कर लें तो केकेआर ने 4 जीते हैं और एसआरएस ने केवल 1 मैच जीता है। एवरेज विकेट फॉल की बात कर लेते हैं। एवरेज विकेट फॉल क्या होता है? एवरेज विकेट फॉल होता है कि जब दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो किसके कितने विकेट गिरते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे हमें फायदा ये होता है कि हमें पता है कि किसकी टीम के बॉलर्स को हमें बैक करना है। तो केकेआर के 6 विकेट गिरते हैं और एसआरएस के 5.36 विकेट गिरते हैं। तो मतलब कि आपको 12 विकेट तक गिरते हुए मैच में देख सकते हैं और दोनों ही टीमों की स्ट्राइकिंग बॉलर्स और डेथ बॉलर्स को आप ले सकते हो अपनी टीम में। जरा विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ऑन पेपर केकेआर वैसे तो बहुत ही ज्यादा कमाल करते आ रही पिछले 2 मैचेस से, पर ऑन पेपर एसआरएस ज्यादा मजबूत रहेगी और वही इस गेम में फेवरेट रहेगी। जरा बात कर लेते हैं आप कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड में राहुल त्रिपाठी ने सबसे अच्छा खेला है, 39.86 का एवरेज, जिसमें आपको कुछ खास बैटर्स वैसे दिखेंगे नहीं। मैं भी आपको आगे भी दिखाऊंगा, वेन्यू परफॉर्मेंस में भी दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा। तो राहुल त्रिपाठी ने 8 मैचेस में से 289 रन बनाए हैं 39.86 के एवरेज से। नीतीश राणा ने 13 मैचेस में 420 रन बनाए 35 के एवरेज से। फिर देखिए बाकी जो बेस्ट बेस्ट बैटर्स अभी अवेलेबल हैं लाइनअप में उनका एवरेज कितना डाउन है। आंद्रे रसेल ने 13 मैचेस में 214 रन बनाए, बहुत ही कम, 23.78 के एवरेज है। मयंक अग्रवाल एसआरएच की तरफ से 14 मैचेस में 281 रन बनाए और 23.42 का एवरेज है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं हेड टू हेड में, यहाँ पे आपको बहुत बॉलर्स दिख जाएंगे। तो भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 25 मैचेस में 30 विकेट लिए हैं। फिर आते हमारे रसेल, 13 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर का सीधे रसेल आ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली बात है। और एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि आंद्रे रसेल अभी बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। तो अगर आप इनको एज अ बॉलर भी सोचो कि बॉलिंग से भी बैगा मिलेगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इनको लेना। उमेश यादव ने 17 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं। सुनील नारायण ने 20 मैचेस में केवल 11 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में। शार्दुल ठाकुर को 12 मैचेस में 10 विकेट मिले हैं। टीम साउदी शायद खेले ना, 7 मैचेस में 10 विकेट मिले हैं। टी नटराजन को 5 मैचेस में 8 विकेट मिले हैं और वहीं वॉशिंगटन सुंदर को 7 मैचेस में 7 विकेट मिले हैं। अब बात करते हैं कहाँ मैच होगा। मैच होगा लेगेसी ग्राउंड एडन गार्डन्स में। बहुत ही सुंदर ग्राउंड है और अब जो ग्राउंड का नेचर है वो थोड़ा पेस फ्रेंडली है। पहले क्या था कि पहले बहुत ही ज्यादा ग्राउंड में स्पिन होता था, पर जब से गौतम गंभीर है उन्होंने इस ग्राउंड को रिवैम करवाया और 2 ट्रॉफी भी हालांकि इनको मिली वहां पे, तब भी होम पे मैच होते थे आधे और आधे बाहर में होते थे। अभी जैसे पिछले इस साल से होने लगा वापस से तो काफी ज्यादा फायदा हुआ था, पर अभी स्पिनिंग ट्रैक नहीं रहा है, पूरा पेस फ्रेंडली हो गया है फिलहाल जो मैचेस होते हैं उसके अनुसार। वेन्यू स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर आप देखिए तो 190 रन है। मतलब अगर आप 190 रन बना लेते तो आसानी से आप कह सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में 190 रन बना लिया, अब ये टीम जीत गई। तो आपको सेकेंड इनिंग फैंटेसी खेलने वहाँ पे चीज मदद करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 189 रन का, 100 और सेकेंड इनिंग का स्कोर 161 रन का। जो फर्स्ट बैट करता है 52% जीता है और जो सेकंड बैट करता है 48% जीता है। मतलब कि आप देख सकते हो कि ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो बैट फर्स्ट बैट सेकंड डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि उस दिन आपकी टीम कैसी है और आप उस दिन की कंडीशंस क्या थी। रन्स पर देख लें तो रन्स पर विकेट तो 28 गेंदों 28 रन पे जो 1 विकेट गिर जाता है, तो मतलब कि अगर दो जैसे भी जैसा भी मैच चलता है तो आपको 6-7 विकेट मैक्सिमम गिरते हुए देख सकते हैं। टोटल 25 मैचेस हुए हैं यहाँ पे। और फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं मिडिल ओवर्स में कितने विकेट गिरते हैं। तो मिडिल ओवर्स में गिरते हैं 22.72 विकेट। फर्स्ट इनिंग के डेथ ओवर में कितने गिरते हैं, डेथ ओवर मतलब कि 18 में 120 जो ओवर आता है 2.44 विकेट। इसलिए मैं कहता हूँ डेथ के बोलर्स को बैक करना चाहिए,
और पावर प्ले में गिरते हैं 1.20 विकेट्स। ये थोड़ा सा इस बार सीक्वेंस जो है इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मतलब उल्टा नहीं ऊपर नीचे हो गया, पर फिर भी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको बैक करना है आपको मिडिल ओवर्स के बॉलर्स को बैक करना है और डेथ के बॉलर्स को बैक करना है जब भी इस ग्राउंड पे मैच होगा फर्स्ट इनिंग वाले। टॉप बैटर्स एट वेन्यू को देख लेते हैं जरा, कौन कौन है। नारायण जगदीशन खेले हैं केवल 4 मैचेस पर, लोकल होम बॉय हैं और 4 मैचेस में 237 रन बना चुके हैं, 118.8 का एवरेज है। फिर राहुल त्रिपाठी आते हैं, राहुल त्रिपाठी इस वेन्यू पे भी ठीक ठाक खेले हैं, 3 मैचेस में 140 रन है, 70 का एवरेज, शानदार है। तो राहुल त्रिपाठी आपको हेड टू हेड में भी दिख रहे हैं, वेन्यू पे भी दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आंद्रे रसेल ने इस ग्राउंड पे 30 मैचेस में 699 रन बनाए, 41.12 का एवरेज है। अब 2 बार आंद्रे 0 पर आउट हो चुके हैं, पर इस बार अगर आप आंद्रे पे रिस्क लो तो उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी को ही देख करके लेना, खासतौर से जब वो सेकंड इनिंग में आते हैं चेस करना करते हैं। फिर अनमोल प्रीत सिंह SRC, उन्होंने 3 मैचेस में आप 101 109 रन बनाए 36.33 के एवरेज से। और फिर नीतीश राणा KKR के कैप्टन, 16 मैचेस में 451 रन बनाए 32.21 के एवरेज से। फिर बॉलर्स की बात कर लेते हैं, कौन अच्छा बॉलर है वेन्यू पे, तो आते हैं हमारे सुनील नारायण। 10-15 साल हो गया बंदे को खेलते हुए, फिर भी कोई वेरिएशंस पढ़ नहीं पाता है, खासतौर से ये इनका होम ग्राउंड है कह सकते हैं। तो 46 मैचेस खेले यहाँ पे, 58 विकेट लिए। आंद्रे रसेल KKR की तरफ से 30 मैचेस खेले हैं, 27 विकेट लिए हैं। बॉलिंग पता नहीं करेंगे ना करें, अगर करते हैं तो आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाएंगे। उमेश यादव KKR की तरफ से 24 मैचेस खेले हैं और 19 विकेट लिए हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार आते हैं हमारे, जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट लिए हैं। अब जरा बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, हेड टू हेड परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटर्स का वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बोलर्स का। तो नीतीश राणा को भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया है 35 बॉल 45 रन के अंतर पे। फिर नीतीश राणा को ही टी नटराजन ने 2 बार आउट किया है, हालांकि रन बहुत खाए हैं, 57 रन खाए पर 31 बॉलों पे 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर नीतीश राणा का ही मैचअप है जो बुरा मैचअप, केवल जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनमें केवल नीतीश राणा का दिक्कत, शायद इसलिए भी क्योंकि ये सबसे ज्यादा खेले हैं मौजूदा लोगों में। तो वॉशिंगटन सुंदर ने इनको परेशान किया है, 23 रन में 2 बार आउट कर चुके हैं। तो ये मस्त देख सकते हैं आप जब टीम बनाए, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर इधर आपको जैसे पहले नीतीश राणा दिख रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स में आपको मयंक अग्रवाल दिखेंगे। तो मयंक अग्रवाल को उमेश यादव ने जो है 29 रनों पे 2 बार आउट किया है। फिर सुनील नारायण ने मयंक यादव को 38 रनों पे 2 बार आउट किया है। मयंक अग्रवाल को आंद्रे रसेल ने भी 22 रन पे 2 बार आउट किया है। फिर एडन मार्करम आते हैं हमारे, जिनको सुनील नारायण ने केवल 1 बार आउट किया, 20 रन बनाए इन्होंने उनके अगेंस्ट। राहुल त्रिपाठी को आंद्रे रसेल ने 15 रनों पे 2 बार आउट किया, और मार्को जैनसन को आंद्रे रसेल ने 2 बार आउट किया। तो अगर रसेल बॉलिंग करते हैं तो रसेल बॉलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे आपके लिए। सिर्फ कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन की बात कर लेते तो हम मेरे हिसाब से मार्करम, राहुल त्रिपाठी और नारायण रहेंगे। राहुल त्रिपाठी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पिनर्स इस समय मतलब बंदा फॉर्म में भी, और स्पिनर्स अगर आप देखो तो स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तो इस जगह पे आपके लिए राहुल त्रिपाठी मस्ट पिक हो जाते हैं। टीम की बात कर लेते हैं, तो फिलहाल जो हमारी टीम है उसमें हमने क्या किया, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। चेंजेस कब आएंगे, जब हम टॉस को देखेंगे। तो अभी हमने गुरबाज को लिया है, जगदीशन को लिया है, उसके सिवा हमने नीतीश राणा, मयंक अग्रवाल को लिया, वाइस कैप्टन हमारे राहुल त्रिपाठी रहेंगे, और सुनील ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, एडन मार्करम, मार्को येंसन है, और बॉलिंग ऑप्शन में आपको उमेश यादव और टी नटराजन दिख जाएंगे। तो फिलहाल ये रहा हमारा जो भी टीम थी, जो जिस टीम के हिसाब से अभी हमने जो स्टैट्स को देखते हुए जो टीम बनाया वो टीम ये रही। और अगर आपको और भी ज़्यादा अपडेट जानना है कि मैच में क्या हो रहा है, मैं टीम सजेशंस कुछ दूंगा हमारे चैनल की तरफ से, जो भी आपको ग्रैंड लीग पिक्स दिखेगी उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।